पश्चिम लामाबाजार शिव मंदिर में शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पंडितों द्वारा प्रतिदिन सुबह के समय विधि विधान से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए जा रहे हैं। वहीं आज सुबह शिव परिवार का जलाभिषेक भी किया गया। 7 मई को शिव परिवार की प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें कि लामा पठार के रहने वाले स्वर्गीय भोगीलाल थापा के बड़े पुत्र डंबर थापा और सपरिवार के तरफ से शिव परिवार का मूर्ति दान किया गया है। वहीं मंदिर प्रांगण में चल रहे भागवत कथा में आज नंद उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां धूमधाम से चल रही है। न्यूज एक्स रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। लोग शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और भागवत सब भलाइज का सबका भला का लिए ये हम लोग 7 दिन का सप्ताह पुराण कर रहा है। तो यही है, सब समाज का सब राइज का भला करे, यही हम लोग को चाहता है चाहना। जय श्री राधे। आज हमारे पश्चिमी लामा पत्थर में संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज 4th दिन जो है प्रातःकाल का पूजन इत्यादि यहाँ कार्य चल रहा है। और विशेष करके परम पूजन श्री लेखराम महाराज जी के मुखार वाणी से आज हमारे यह सभी भक्तजन कथा आदि श्रवण कर रहे हैं। और हम लोगों का जो है आज यहाँ पे नंद उत्सव आदि भी यहाँ मनाया जाएगा और भगवान शिव परिवार आदि का यहाँ पे प्रतिष्ठा कार्य चल रहा है। कल में हम लोगों का यहाँ जल आदि वास किया गया, आज में यहाँ पे अन्नवास आदि का भी कार्य चलेगा। और सभी भक्तजनों से विशेष निवेदन है, जितने भी इस आस्था चैनल को देख रहे हैं सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप सभी यह इस कार्य में सहभागी हों। और हमारे यहाँ के जितने भी भक्तजन हैं सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया और आज यह पश्चिमी लामा पत्थर में जो है हमारे समिति की ओर से गाँव वासियों की ओर से जो है इस कार्य को पूर्ण रूप से हम लोग इस कार्य को सक्षम हो रहे हैं। और सभी भक्तजनों से विशेष निवेदन है, 7 तारीख को यहाँ पे शिव परिवार का प्रतिष्ठा होगा। सभी से निवेदन है कि आप सभी इसमें अपना भाग यहाँ पे आकर दें, अपना सहयोग दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। जो यहाँ पे भागवत कथा चल रहा है कब तक चलेगा ये? हमारे 1 तारीख से यहाँ पे भागवत आदि पारण स्टार्ट हुआ है और परम पूजनीय श्री महाराज जी के मुखारवाणी से, और यह 7 तारीख तक यहाँ चलेगा। 18 तारीख यहाँ पे भंडारा हवन आदि का कार्य होगा।